मतलब कम में दम। तो ये दो परफ्यूम्स के बारे में जो है अभी इस वीडियो में बात करेंगे। ये कोशिश नाकाम थी क्योंकि अभी के टाइम पे जिस तरीके से चीजें बढ़ी हुई हैं उस हिसाब से एक बजट में और एक अच्छा परफ्यूम सेलेक्ट करके निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। रूरल एरिया जो होते हैं वहां पे जो है महंगी अगरबत्ती, कॉस्टली अगरबत्ती, प्रीमियम अगरबत्ती नहीं चलती है। उनको चाहिए कि भाई आधा किलो की पैकिंग होनी चाहिए और पूरा महीना चलना चाहिए। अब जैसे डिमांड है उसी तरीके से अपने को काम करनी पड़ती है। अब दुकानदार बोलेगा कि आधा किलो वाली पैकिंग चाहिए तो आधा किलो ही देनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा जीपर पैक है 120 ग्राम प्रीमियम क्वालिटी आएगी, वो बोलेगा नहीं चलेगा ले जाओ। तो ये बेस्ट आपके लूजेज अगरबत्ती और एज अ धूप स्टिक्स कोन के लिए आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हैं। जो हमें मुझे जो लगता है कि ये मेरा ओपिनियन होना चाहिए तो वो चीज़ें मैंने खुलकर बताने की कोशिश की है, अब आपकी इच्छा। सो फिर बढ़ते हैं कुछ नए परफ्यूम्स की रिव्यू की तरफ और आज हमारे पास हैं दो नए प्रोडक्ट्स जो कि बजट सीरीज में आज इस परफ्यूम्स का अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके साथ साथ एक बेस रिव्यू वीडियोज जो है मैं आपको देने वाला हूँ। सो फिर कुछ इस तरीके से आपको ये दो बॉटल्स जो है दिख रही होंगी, दोनों एक बेस और बजट सीरीज की परफ्यूम्स हैं जो कि प्राइस में थोड़ा कम आएगा और क्वालिटीज देखा जाए तो एक बेस जिस तरीके से लोगों को अभी के टाइम पे एक हाई डाइल्यूटेड परफ्यूम चाहिए होता है, सस्ता होने के साथ साथ उसकी लास्टिंग अच्छी होनी चाहिए जो कि आपके लूजेज अगरबत्ती या फिर बड़ी क्वांटिटी में 1 kg बेस 500 ग्राम की जो बड़ी पैकिंग्स होती हैं उसमें चलने के लिए बेटर हो और एक साथ उसके फ्रेग्रेंस भी लॉन्ग टाइम तक चल जाए। तो अपना भी कम खर्चे में माल आसानी से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए और कुछ मार्जिन देके हम आगे अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर दें, मतलब कम में दम। तो ये दो परफ्यूम्स के बारे में जो है अभी इस वीडियो में बात करेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस एज अ परफ्यूम्स रॉ मटेरियल और जितने भी तरीके के इंफॉर्मेटिव डिटेल्स और नॉलेज आपको मिलते रहेंगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर। सो फिर जो है फटाफट से करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो फिर फर्स्ट हमारे पास ये जो परफ्यूम्स आपको देखने को मिल रहा होगा ये हमारे पास है हेवन और सेकंड जो है हमने रखी हुई है पांदड़ी। दोनों के बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं और क्या क्या फ्रेग्रेंस में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक छोटा रिव्यू वीडियो होगा। सो फिर इसके बारे में जो है बात करेंगे। बेसिकली जो है अभी के टाइम पे हमारा अगरबत्ती बिजनेस जो है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ बढ़ते जा रहा है, मतलब देखा जाए तो प्लेयर्स काफी सारे हैं और उसके हिसाब से लोगों को चीजों को अफोर्ड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली चीज जो चीजें आप समझ रहे हो, जिस तरीके से अभी बैम्बू स्टिक्स के प्राइस बढ़े हुए हैं और इसी तरीके से मैं बोलूं तो परफ्यूम्स में धीरे 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 जो इसके केमिकल्स बेस रॉ मटेरियल्स हैं उनके भी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से परफ्यूम्स में भी प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। और तीसरा चीज कॉम्पिटिशन, जैसे कि आप जानते होंगे कि प्लेयर्स काफी सारे हैं, लोगों को भी बिजनेस करना जरूरी भी है, तो इसको देखते हुए हमने सोचा कि कम से कम बजट में जो परफ्यूम्स रेडी हो जाए वो जो है कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करा पाए। वैसे ये कोशिश नाकाम थी क्योंकि अभी के टाइम पे जिस तरीके से चीजें बढ़ी हुई हैं उस हिसाब से एक बजट में और एक अच्छा परफ्यूम सेलेक्ट करके निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम जो चीजें देखते हैं समझते हैं उसके हिसाब से एक तो हो गया जो प्रीमियम सेगमेंट में जो लोग काम करने वाले हैं वहां तक चीजें सही हैं। प्रीमियम सेगमेंट में जितने भी परफ्यूम्स के अभी रिव्यू हुए हैं सारे प्रीमियम सेगमेंट के ही परफ्यूम हैं। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, जो लोग एज अ विलेज सेक्टर में छोटे छोटे गाँवों में अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं अगरबत्ती का, उसको भी तो देखना जरूरी है। और स्टार्टिंग बेस में क्या है, उनको थोड़ी सी जो जैसे रूरल एरिया जो होते हैं वहां पे जो है महंगी अगरबत्ती, कॉस्टली अगरबत्ती, प्रीमियम अगरबत्ती नहीं चलती है। उनको चाहिए कि भाई आधा किलो की पैकिंग होनी चाहिए और पूरा महीना चलना चाहिए। अब जैसे डिमांड है उसी तरीके से अपने को काम करनी पड़ती है।
अब दुकानदार बोलेगा कि आधा किलो वाली पैकिंग चाहिए तो आधा किलो ही देनी पड़ेगी, हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा जीपर पैक है 120 ग्राम प्रीमियम क्वालिटी आएगी, वो बोलेगा नहीं चलेगा ले जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे जो बजट सीरीज के परफ्यूम्स हैं वो भी होना ज़रूरी है, तो चीज़ों को देखनी पड़ती है। और उसके लिहाजा से देखा जाए तो ये हमारा जो परफ्यूम्स है ये बेस्ट आपके लिए वर्क करेगा, और सस्ता होने के साथ साथ ये नहीं कि मैं सस्ता है तो क्वालिटी भी ख़राब होगी, ऐसा नहीं। इसके जो बेस टॉप नोट्स होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी होती है, टॉप नोट जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा परफ्यूम कॉस्टली बनेगा, अगर टॉप नोट्स को थोड़ा सा कम किया जाए तो फिर क्वालिटीज़ और प्राइस, क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके लूजेज अगरबत्ती किलो के भाव में जो बिकने वाली अगरबत्ती है उसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ये परफ्यूम जो है करेगा। बातें बहुत हो चुकी है और जो है मैं खोल के नोट्स के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, इसे हम करते हैं साइड में। ये यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेवन, इसके नोट्स क्या होंगे, क्या चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से हमने ओपन कर लिया, यहाँ से इसके कैप्स भी जो है बाहर कर लेते हैं। आगे रेशियो भी मैं बता दूंगा कि आपके लिए बेटर रेशियो क्या होगा। फिलहाल इस बीकर में हम इसे थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये कॉफी कोल्ड कलर में आपको इसके परफ्यूम्स के लिक्विड जो है ऑयल सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, इतना काफी है। और इसके फ्रेग्रेंस थोड़े से अलग होंगे, ना तो मैं इसे स्वीट बोलूंगा ना तो फ्लावर का कोई फ्रेग्रेंस बोलूंगा, हालांकि जो ग्राफिक्स में हल्का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा एज अ रोज, बेसिक रोज के नोट के थोड़ा सा फॉर्म आपको इसमें से देखने को मिलेगा। और मैं बोलूं तो ये जो है आपको फ्रेग्रेंस मिलेगा एज अ, आपने काफी सारे डीओज वगैरह जो है यूज किए होंगे, बेस मैं कहना चाहूं तो वाइल्ड स्टोन हो गया या फिर एक टाइप के जो मैग्नेट्स के जो परफ्यूम्स होते थे उनके बीच का जो है बेस, इसमें आपको एज अ फ्रेग्रेंस मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। और ओपन कर लिया, और पांदड़ी मीन्स इसका बेस मीनिंग, बस मैं यही कहना चाहूँगा जैसे कि हम अभी खाने में यूज़ करते हैं पान, जो कि शौकीन लोग जो है इसका ज़्यादातर पान का वो खाने में पसंद करते हैं, और सो फिर इसका फ्रेग्रेंस उससे मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा, एक पान की जो पत्तियां होती हैं उससे रिलेटेड इसका फ्रेग्रेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा बीकर ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा कुछ ट्रायल बेस में पैट्रिकल करके हम लोग देख लेंगे कि एक्चुअल में जो रियल इसके फ्रेग्रेंस के नोट हैं वो कैसे आएगा। और ये परफ्यूम थोड़ा सा गाढ़ा आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा कालापन इसमें इस परफ्यूम में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर आपको एक बेस क्वालिटीज़ में सस्ते रेंज में अगरबत्तियां बनानी है तो उसके लिए ये अच्छा काम करेगी। बाय द वे आप प्रीमियम भी बनाना चाहें तो उसमें भी अच्छे तरीके से काम करेगा, और लूजेज अगरबत्ती में आपका 8 से लेके 10 का डाइल्यूशन कहीं नहीं गया है, आप आराम से इसमें आसानी से बना सकते हैं। और प्रीमियम में भी अगर मैं कहना चाहूँ तो ये 1:3 तक का ये अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके दे देगी आपके अगरबत्ती में। ऐसा इसे मैं बोलना चाहूँ तो आपके धूप स्टिक्स कोन में भी ये दोनों परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो कोन्स होते हैं और दो स्टिक्स होती हैं उसमें डाइल्यूशन रेशियो अच्छा चाहिए ही होता है, जो कि हाई डाइल्यूशन में एक अच्छा क्वालिटी दे दे रहे हो, तो ये बेस्ट आपके लूजेज अगरबत्ती और एज अ धूप स्टिक्स कोन के लिए आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। प्रीमियम के लिए आपको डाइल्यूशन कम से कम करना पड़ेगा। और यही था जो कि बेस रिव्यू मैंने बताया, मैंने ये चीज़ें नहीं बोली कि ये हमारा है बेस्ट है अच्छा है प्रीमियम क्वालिटी है आप ले लो, ऐसा नहीं। जो चीज़ें रियलिटी के बेस में हो रही हैं, जो हमें मुझे जो लगता है कि ये मेरा ओपिनियन होना चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने खुलकर बताने की कोशिश की है। अब आपकी इच्छा, आप जिस तरीके से आपका वर्क है उस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये था इन दोनों परफ्यूम्स के बेसिक रिव्यू। और बाय द वे आपको किसी भी तरीके से परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज है, प्राइस या फिर
बेसिक डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में नए रिव्यूज की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।